प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्यार के बारे में, प्यार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्यार के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्यार से हमारे माइंड में एक बातें आती है कि प्यार, भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, और माँ का बेटे के साथ प्यार, बाप का बेटी के साथ प्यार, ये प्यार हमारे दिमाग में आता है। जो प्यार है जो बाइबल में है वो ऐसा प्यार, क्योंकि ऐसा प्यार ना तो कभी किसी ने किया है और ना कर कोई कभी कर सकता है। ऐसा प्यार जो कि प्रभु ने जो हमसे ऐसा प्यार किया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। तो ऐसा प्यार जब हमको मिलता है तो हम कितने धन्य लोग हैं कि हमें ऐसा प्यार मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब ऐसा प्यार हमारी जिंदगी में है और आपके सबके जिंदगी में भी है तो हम कितने धन्य लोग हैं और हम कितने आशीषित हैं। हमें इस पृथ्वी पर भी वो प्यार मिला है और जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां भी हमें वो प्यार मिलेगा। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यार के बारे में बाइबल में कौन से वचन लिखे हुए हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सुंदर वचन प्यार के बारे में, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो क्या जो हम संसार के लोग जो प्यार करते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं कि किसी की बातें भी सह ले और वो एक बार गलती करे, दो बार गलती करे, तीन बार गलती करे? आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार 6 बार 10 बार माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 70 गुना आप माफ कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। प्यार सब बातों में आशा रखता है। तो क्या आपका प्यार आशा रखता है? सब बातों में धीरज धरता है? जब कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं और जब उसकी शादी हो जाती है, उससे पहला का प्यार अलग होता है और उसके बाद का प्यार अलग होता हो जाता है। जब जो हस्बैंड और वाइफ प्यार में रहते हैं और जब कठिन परिस्थिति आती, विषम परिस्थिति आती उनके जिंदगी में, सारा कुछ डावाडोल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर डांटना, चिखना, चिल्लाना, गुस्सा में रहना, वाइफ का हस्बैंड का पत्नी के ऊपर, पत्नी का अपने पति के ऊपर चिल्लाना, उसमें क्या होता है? आप दोनों धीरज नहीं धरते। उसमें क्या होता है कि पति पत्नी क्या होते हैं? धीरज नहीं धरते, सब्र नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है गुस्से क्रोधित होके एक दिन वो लड़ाई में तब्दील हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? किसी न किसी का अंत हो जाता है। ऐसा भी होता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है? वह सब बातों में धीरज धरता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और प्रभु का वचन क्या है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो। और हम प्रेम के बारे में देखते हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थाई हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। आप प्रेम से दूसरे लोगों को बदल सकते हैं, प्रेम से आप लड़ाई को शांत भी कर सकते हैं, प्रेम से आप जय पा सकते हैं। तो प्रेम एक इतना बड़ा हथियार भी है जो कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और हमें सबको क्या किया है? अनंत जीवन दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और हम जब देखते हैं और दूसरा वचन, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे की सह लो। जब हम सह लेते हैं तो यही एक प्रेम दर्शाता है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है
और हम जब फिलिप्पियों में पढ़ते हैं, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। विलाप गीत में पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में, कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है। सचमुच में परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। सच में आप वचन से उस रेफरेंस को पढ़ सकते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो प्रभु यहोवा से प्रेम रखते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। इसलिए आप सभी लोग एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और प्रेम से हम जीत सकते हैं, प्रेम से हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रेम इसलिए सबसे बड़ा है। तो परमेश्वर का यह प्रेम है जो प्रभु ने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दी है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। इस प्रेम के बारे में आप सभी लोगों को शेयर करें, जो कि हमारा प्रभु यीशु ने हम सबसे प्रेम किया है, और इससे बढ़कर किसी का भी प्रेम नहीं, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम सभी के लिए दे दिया। प्रभु का धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।